हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा एनएएस है उसका पेपर थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है कि पीक्यूआरएस एक समांतर चतुर्भुज और आरएसटीयू एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्यूपीएस ये वैल्यू दी गई है 66 और आरटीयू हमको पता है कितना दिया है, ये 37। अब हम जानते हैं कि जो सम चतुर्भुज होता है उसमें ये जो डायगोनल होता है ना, ये विकर्ण जो होता है ना, इस कोण को, कौन से कोण को, ध्यान से देख पा रहे हैं आप, ये वाले कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ये 37 है तो ये भी 37 होगा, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 74। ठीक है, चलिए इसमें बताते हैं। ये हमारे पास हमने इसको बना लिया है, पूरा डायग्राम हमने पूरा स्केच कर लिया उसको, ठीक है ना, उसी टाइप का बनाया है। तो यदि ये 37 है तो ये भी 37 होगा और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 74। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, और यदि गलती मैं कर रहा हूँ तो बताइएगा। देखो, यदि मैं इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ये बढ़ा दिया, ऐसे ही इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन क्या है, दोनों समांतर हैं, और ये वाली जो लाइन है ये बीच से जो गई है ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, बीच वाली ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी दोनों रेखाओं की। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनते हैं, एकांतर कोण। और जो एकांतर कोण बनता है वो कैसे होते हैं, बराबर, मतलब ये 74 है ये वाला, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 74 होगा। ओके, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस त्रिभुज की, पी ओ एस, हमको एस निकालना है, इसको निकालना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। पी हमको पता है कितना, 66। एस हमको पता है, नहीं पता, सॉरी, ओ हमको पता है 74। दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हुआ, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 140। अब पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस 140 कितना आ जाएगा, इस कोण का मान आ जाएगा 40। समझ में आ गया है, यदि नहीं आता है ना तो बताया करो, और वीडियो देखने के बाद लाइक किया करो, और कहीं पे डाउट है तो पूछा करो, और डाउट नहीं है तो बोला करो यस सर समझ में आ गया है, कुछ रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग। ओके, दैट्स इट।